हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉ सीको की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम तीन मुख्य आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो हमारी शिक्षा नीति और कितनी हमारे विद्यालयों के व हमारे पास स्कूलों के पास में स्वतंत्रता है उसके बारे में बात करता है। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो जो एक अभी रिसेंटली एक रेक्टिफिकेशन हुआ है एक कन्वेंशन का जो अंतिम देश बचा था उसके द्वारा, उसके बारे में चर्चा करता है। और जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में चर्चा करता हुआ ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का उसका डिजिटलीकरण के बारे में ये तीसरा आर्टिकल बात करता है कि हम इस और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जो एक मुख्य हमारा लॉ सीको इनिशिएटिव है जिसमें हम जो मेन न्यूज है हमारी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीको के कुछ कोर्सेस है उनके ऊपर आपको ध्यान ले जाना चाहूंगा। इनमें से हमारा जो एक मेन कोर्स है वो है जुडिशरी टेस्ट प्रिपरेशन लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाइए इस कोर्स को एक बार जरूर देखिए। उसके अलावा ये दूसरे हमारे और कुछ कोर्सेस है। तो चलते हैं आज के एमसीक्यू की तरफ। तो आज का जो एमसीक्यू है वो ये है कि टैक्स पेयर जो चार्टर रिसेंटली न्यूज में आया था ये किसके बारे में है। तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ये फेसलेस असेसमेंट की बात करता है। ऑप्शन बी, ये फेसलेस अपील की बात करता है। ऑप्शन सी, ये टैक्स पेयर चार्टर उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। और ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। इसके साथ में जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो आज का ये है कि जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर से जुड़े काफी कानून आ चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे, पर अभी भी ये हमारी एक सामाजिक बुराई बनी हुई है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे आप चर्चा कीजिए। और अभी तक जो लॉज आए हैं उसके हम उसके बारे में चर्चा करते हुए एक 250 वर्ड्स में आप इसका आंसर लिखिए। तो जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है विद्यालयों की स्वतंत्रता पर। हमारी जो शिक्षा प्रणाली अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, तो उसके चलते एक जो शिक्षा के बारे में हमारे देश में एक चर्चा चालू हुई है, तो ये काफी अच्छी चर्चा है, इसके बारे में हमको बात करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, तो ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमारे जो मेन ढांचा रहता है शिक्षा का वो है उसके विद्यालय, विद्यालयों में कैसी शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थियों के द्वारा कैसी शिक्षा ली जाती है उस पर ये चर्चा करता है। तो एक बात ये देखने को आती है कि स्कूल के पास में कितना ऑटोनोमी, एक जो स्कूल है उसके पास में अपने आप में कितनी स्वतंत्रता रहती है। तो जब हम शासकीय विद्यालयों की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि जो लोकल लेवल की नीड है उसको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है कि सचिवालय से या डायरेक्टरेट से या ऊपर से मिनिस्ट्री से जो ऑर्डर आता है उस पर ही हम ध्यान देते। और ये जो प्रणाली है ये ब्रिटिश काल से बनी हुई है, तो हमको इस और ध्यान देना चाहिए कि विद्यालयों को उनके लोकल लेवल पे, उनके स्थानीय स्तर पे स्वतंत्रता, उनके जो उनका नीड रहता है, जो उनकी जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। और वही जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में भी जो एक दृश्य हमारे सामने आता है वो शासकीय विद्यालयों से कोई वो नहीं है। वहां पे भी टीचर्स और प्रिंसिपल का जो आपका क्वालिटी है उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बेस नहीं रहता है, बल्कि ये दूसरी अन्य चीजों पे बेस रहता है। क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है वो या तो किसी प्राइवेट ट्रस्ट के है या तो वो एज ए बिजनेस पर्पस ही चल रहे हैं। तो शिक्षा के अलावा उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो और दूसरी सारी चीजों पर होता है। और उनमें भी ये देखा गया है कि जो वहां का मैनेजमेंट है और इवन जो हम जो पेरेंट्स है बच्चों के, वो भी जो शासकीय स्कूलों में एक चीज जो डायरेक्टरेट सचिवालय और बोर्ड्स जो निर्देश आते हैं सिर्फ उन्हीं पर ही ध्यान देते हैं। तो अब बात ये आती है कि अभी कोविड 19 के चलते हमारे स्कूलों में हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें वो उसको कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो जो सबसे पहली बात आती है
कि ये देखने को मिला है कि सबसे पहले तो जो कोविड 19 है उसका ज्यादा जो प्रभाव रहा है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा दिखता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सभी दूर जब हमारे जब लॉकडाउन लगा पहले लॉकडाउन लगा हमारे देश में तो सारे स्कूल उसके 10 दिन पहले से ही सारे स्कूल बंद करने का आदेश आ गया था और जिस तब से ही सारे स्कूल बंद है। पर एक चीज जो देखने को मिली है कि जहां पर शहरी क्षेत्रों में प्रभाव ज्यादा है इसका ग्रामीण क्षेत्रों से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि हम हमारे स्कूलों को ओपन करें। अब हुआ ये कि इन शासकीय विद्यालयों में जो मिड डे मील मिलता था, गवर्नमेंट मिड डे मील की बजाय जो वहां पे बच्चे हैं जो उनके अभिभावक को उनको डायरेक्ट जो फूड और ग्रेन है जो अनाज है वो सीधे उनको अनाज दे रहा है। पर एक बात ये आती है कि अगर हम हमारी क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए हमारे लोकल लेवल पे हमारे ग्रास रूट लेवल पे हम अगर इन जरूरतों को देखते तो हो सकता था हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र पे जहाँ पे हम स्कूल वापस चालू कर सकते थे, तो उससे जो हमारे शिक्षा का जो एक पहिया है वो पुनः चलने लगता और उसके साथ साथ जो मिड डे मील जैसी काफी एक बोलते हैं इफेक्टिव स्कीम है उसको भी हम वापस स्टार्ट कर सकते थे इन ग्रामीण विद्यालयों में। उसके साथ में जो वहां की पढ़ाई थी वो भी चालू हो सकती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो बड़ा दिक्कत आती है वो ये है कि भले ही हम हमारे पास में डिजिटल व्यवस्था आ गई है वो सब कुछ हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वही नेटवर्क का आपका प्रॉब्लम रहता है, वही डिजिटल जो एक ढांचा होना चाहिए वो अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बना है। अब बात अगली जो राइटर है वो बात अगली ये करते हैं कि अगर हम स्कूलों को उनकी स्वतंत्रता देते तो क्या बदलाव हो सकते थे। तो जैसे कि मैंने अभी चर्चा करी कि स्कूल अगर वापस ओपन होते तो वहां की लोकल कंडीशंस को देखकर तो वहां पे कहीं ना कहीं हम जो स्कीम्स है और हम जो शिक्षा है वो वापस से एक सुचारू रूप से चालू हो पाती। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे भारत में एक कल्चर रहा है कि हम क्लासरूम लर्निंग की वजह जो क्लासरूम के बाहर है जो हमारे पर्यावरण का परिवेश है हम हमेशा वहां पे शिक्षा व्यवस्था लेते आए हैं। जैसे ब्रिटिश व्यवस्था आने के पहले भी आश्रम हुआ करते थे, ठीक है। शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा चालू किया था वो अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉडल है कि कैसे आउटडोर लर्निंग हो सकता है। उसके बाद में अगर आपको बताऊंगा कि जो सोनम वांगचू ने एक स्कूल चालू करा है लद्दाख में, उसमें काफी ज्यादा एम्फसाइज जो होता है, काफी ज्यादा ध्यान जो होता है वो बाहर की लर्निंग पे, जो आउटडोर लर्निंग जिसे कहते हैं उन पे होता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको लर्निंग करते अगर बच्चे के प्राथमिक शिक्षा की भी बात करें तो इसमें भी जो एक जो बच्चे की लर्निंग है वो पूर्ण रूप से क्लासरूम में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाहर के परिवेश हमको काफी कुछ चीजें सिखाता है। जैसे मैंने बताया सोनम वांगचू ने लद्दाख में उनका खुद का स्कूल ओपन कराया तो उनका क्लासरूम ट्रेनिंग से ज्यादा क्लासरूम लर्निंग से ज्यादा वो बच्चों को बाहर ले जाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करवाते हैं और उन्हीं में से एक जो उनका खुद का इन्वेंशन है जो उन्होंने स्टूप्स बनाए हैं, जो उन्होंने स्नो स्टूप्स बनाए हैं जो गर्मियों में पानी की इनकी जरूरत पूरे करते। तो हम देख सकते हैं कि हम जब क्लासरूम के बाहर जाके जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम नई नई विचार रचनात्मक तौर से हम नई चीजें करते हैं तो हमारी जरूरतों के लिए ये काफी अच्छा हो जाता है। उसके साथ में एक चीज ये है कि जब हम प्राकृतिक परिवेश में चीजों को सीखते हैं तो ये हमारे जो मनुष्य मस्तिष्क है उसको डेवलप करने में काफी मदद करता है। उसके साथ साथ अगर ये स्वतंत्रता शिक्षक को दी जाए कि वो सिर्फ क्लासरूम नहीं वो आउटडोर लर्निंग पे ज्यादा जोर दे तो टीचर्स भी अपनी बात जो है जो किताबों में लिखा हुआ है उसको और अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं या हम उसको रट लेते हैं या सिर्फ एग्जाम पास होने के हिसाब से उसका अध्ययन कर लेते हैं, पर जब हम उसको हमारे दिनचर्या की लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है
कि कैसे ये हमारी जिंदगी को और आसान और अच्छा बना सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर जाते हैं तो बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि कैसे मॉनसून सीजन में पक्षी माइग्रेट करते हैं, वो अपना कैसा खाना इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो जितने भी प्राणी होते हैं हमारे जो जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे चींटियां हो गई, जब बारिश आती है तो उनके घर जब पानी से भर जाते तो वो कैसे बाहर आते, अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो ये अपने आप में जीवन को जीने की कला भी कहीं ना कहीं हमको ये सिखाता है। उसके साथ में जो मुख्य बातें जो जुड़ी हुई रहती वो ये है कि कहीं ना कहीं हम उस शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं जो अपने आप में हमेशा से एक फिक्स रही है कि हाँ ये प्रश्न है, ये उत्तर है, हम ये पढ़ लेंगे, हम इतने नंबर लेकर आ जाएंगे क्या। पर शिक्षा का उद्देश्य हमेशा से नंबर लाना और या एक कागज का सर्टिफाइड टुकड़ा लेना है, नहीं। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि वो एक बच्चे का, एक मनुष्य का स्वार एक पूर्ण रूप से विकास करे। सिर्फ उसके सिर्फ यहाँ पर विज्ञान या गणित को सिर्फ जोड़ना या विज्ञान में ये होता है, ये थ्योरी दिया है, ये लॉ दिया है, सिर्फ वो पढ़ना नहीं होता है। इनको कहीं ना कहीं रिलेट करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाना, कहीं ना कहीं ये चीजें भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम काफी बार ये चर्चा होती है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो अपने आप में काफी पुरानी है, इसको हमको सुधारने की जरूरत है। तो इस सुधारने के लिए जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात लेकर आएंगे तो जब तक आप आउटडोर लर्निंग को, जब तक आप हमारे बाहरी परिवेश में लर्निंग को ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना मजबूत नहीं हो सकता है। और वो जिस लक्ष्य के लिए स्थापित किया गया है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, वो कहीं ना कहीं वो उद्देश्य उन मायनों में पूर्ण नहीं हो पाएगा। अब इंटरनेशनल जो लेबर लॉ है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। तो कन्वेंशन 182 जो कन्वेंशन था, जो कि था वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, तो ये जो पर्टिकुलर संधि थी, ये संधि को सिर्फ एक ही देश ऐसा बचा था जिसने अभी तक उसको रेक्टिफाई नहीं किया, जो उसको रेटिफाइड नहीं करा था, वो था टोंगो। टोंगो जो है एक बहुत छोटा सा देश है, ओशियाना में आता है ये देश, ज्यादा उसकी पॉपुलेशन, उसका जनसंख्या भी कुछ 1 लाख के आसपास है, तो काफी छोटा सा देश था। सारे देशों ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था, सिर्फ टोंगो बचा हुआ था। तो इसी के साथ में ये पहला कन्वेंशन ऐसा बन गया जिसको लेबर लॉ से रिलेटेड और आईएलओ से रिलेटेड जिसको सारे ही देशों ने एक मत में रेटिफाइड करा है, और उन्होंने इस प्रतिबद्धता बताई है कि हम इसको हमारे जो हमारा डोमेस्टिक कानून है, जो हमारा देश का कानून है, हम उसको इसमें लेकर आएंगे और इसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो ये जो कन्वेंशन 182 है जिसको हम वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन कहते हैं, ये 1999 में आया था। एक एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था जिनेवा में, वहां पर ये आया था। तो ये किस चीज के बारे में बात करता है, तो ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बच्चों का, उसको प्रतिबंधित करता है, जो ट्रैफिकिंग होता है और बच्चों को जो आर्म फोर्सेस में भर्ती करना होता है, ये उस पर अंकुश लगाने के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था। इसके पहले 1973 में मिनिमम एज कन्वेंशन लाया गया था। अब इस मिनिमम एज कन्वेंशन में क्या था कि सारे देश साथ में आए और उन्होंने ये बात कही कि हम एक मिनिमम एज सेट कर देते हैं कि इससे कम एज पर अगर कोई बच्चा काम करता है तो उसको हम एज अ चाइल्ड लेबर कहेंगे। तो कुछ देशों में ने 14 साल की उम्र को सही माना, कुछ ने 15 को और कुछ ने 16 को। उसी इसमें जो भारत का निर्णय था वो ये था कि भारत ने इसको 14 साल की उम्र को एक बेंचमार्क माना, और 14 साल या 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं अगर वो किसी भी प्रकार के काम में इन्वॉल्व है तो उसको हम चाइल्ड लेबर का स्वरूप मानेंगे। एक जरूरी बात ये होती कि इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था 2017 में, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा
महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अब उसके बाद में कि क्यों आईएलओ की कन्वेंशन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आईएलओ की जो मेन 8 कन्वेंशन आई थी उनमें से ये 2 जो कन्वेंशन थी, इस कन्वेंशन ने कहीं ना कहीं, इन संधि ने कहीं ना कहीं अपना बहुत प्रभाव डाला है। इससे काफी बच्चे जो है वो एनजीओ के द्वारा, वो सरकारों, अलग अलग सरकारों के द्वारा रेस्क्यू किए गए हैं, क्योंकि हमको ये देखने को मिलता कि एक देश से दूसरे देश इनको ट्राफिक कर दिया जाता था। तो इनमें ये कन्वेंशन आने के बाद में कहीं ना कहीं सरकारों ने आपस में मिलकर काम करना शुरू करा, और जितना चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग और जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो शोषण होता था इन बच्चों का, वो कम हुआ। अभी भी अगर बात करें तो 152 मिलियन जो बच्चे हैं वो अभी भी चाइल्ड लेबर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उनमें से तो 72 मिलियन ऐसे हैं जो हैजार्डियस वर्क में है, जो जान के लिए हानिकारक जो हो सकता है, उनकी खुद की जान जोखिम में जा सकती, ऐसे कामों में भी अभी भी वो काम कर रहे हैं। एक बहुत जाना माना एनजीओ है भारत में क्राई करके, उनके अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो 10.1 मिलियन बच्चे भारत में है जो है वो एज ए चाइल्ड लेबर्स माने गए हैं, कि ये एज ए चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं। भारत जो है 11th, हर जो 11th बच्चा है 5 से 18 साल की उम्र में वो काम करता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये निष्कर्ष निकलता है, हर 5 में से जो एक बच्चा है 15 से 18 साल की उम्र में वो वर्किंग है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अपनी जीविका चलाने के लिए काम करता है। और एक बात ये जो देखी गई कि 5 से 9 साल की जो उम्र रहती है उसमें जो बच्चे काम करते हैं, जो चाइल्ड लेबर का जो रेशियो हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज 37% तक बढ़ा है। तो ये काफी हमारे देश के लिए एक गंभीर बात है। उसके अलावा शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ये तो 50% से बढ़ गया है कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर, और रूरल एरिया में 80% जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी तरीके के लेबरस वर्क में रहते हैं, या तो वो खेती में रहते हैं या और किसी कहीं ना कहीं किसी वर्क किसी कामों में, किसी काम में वो रहते हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पीछे क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जिस समय पर बच्चे को जो चीज मिलनी चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अच्छा पर्यावरण, जो अच्छा उसको सामाजिक पर्यावरण मिलना चाहिए, उस चीज की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं ये ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाते। और उसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये ऐसे राज्य है जहां पे भारत का 50% चाइल्ड लेबर है। तो इन राज्यों को और हमारी केंद्र सरकार अगर साथ में मिलकर इन पे जब तक काम नहीं करती, तब तक हम ये चाइल्ड लेबर खत्म नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स है 2019 का, उसमें भारत का 113 रैंक है आउट ऑफ 176 कंट्रीज। तो अभी भी हमको जरूरत है कि हम हमारे चाइल्ड लेबर सिर्फ कानून लाने से ही बात पूरी नहीं होती, इसको जमीन पे उतारने की भी हमको काफी ज्यादा जरूरत है। अब बात करें कि कोविड आने के बाद में जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हुई है, तो इसका चाइल्ड लेबर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खास करके भारत, ब्राजील और मेक्सिको जैसी जो कंट्री है वहां पर मिलियन से करोड़ों से बच्चे चाइल्ड लेबर्स में जाएंगे, ये देखने को मिलेगा। और अभी लॉकडाउन के समय भी हमारे ऊपर काफी हमने काफी न्यूज सुनी, जैसे एक इंदौर का एग्जांपल है कि एक स्कूल का बच्चा सब्जी बेच रहा था, फिर उसको कुछ इसी प्रकार को उसको जाति सहनी पड़ी। तो अभी ये कहीं ना कहीं ये भी आ गए, स्कूल बंद है, कहीं ना कहीं आपको आजीविका तो चलानी है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति और खराब होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमको हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के अलावा हमको बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, कि वही हमारे देश का फ्यूचर होता है।
और आयोलो जो है और यूनिसेफ जो है उन्होंने भी इस बारे में बात करी है कि ये जो कंडीशन है हमारी वो आगे चल के और खराब होने वाली है कोविड 19 के बारे में। अब ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका डिजिटलीकरण के बारे में। तो भारत के लिए काफी नई बात आती है कि स्वास्थ्य सेवा का कैसा डिजिटलीकरण होगा। तो हम ये देखते हैं कि भारत में काफी लोग एक शहर से दूसरे से शहर माइग्रेट करते हैं। एक ही शहर में आप कभी इस हॉस्पिटल में जा रहे हो, कभी दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो हमको हमारे रिकॉर्ड हमेशा हमारे पास में कागज के फॉर्म में, पेपर्स के फॉर्म में हमेशा रखने पड़ते हैं कि हम डॉक्टर को बता रहे देखिए ये है, पिछला मेरा ट्रीटमेंट ये था। क्योंकि कहीं ना कहीं जब डॉक्टर आपको जांच करता है, डॉक्टर आपकी, तो एक चीज ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आपका पुराना मेडिकल हिस्ट्री क्या रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारी स्वास्थ्य सेवा में एक डिजिटलीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो भारत सरकार ने नीति आयोग का जो नेशनल हेल्थ स्टैक ब्लू बुक और उसके साथ में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट लाया गया। तो जो नेशनल हेल्थ स्टैक ब्लू बुक, इसमें बेसिकली ये था कि जो हमारी सामाजिक और जो हमारी, जिसे हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम कहते हैं, जो हमारी सामाजिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो उसको हम कैसे डिजिटल करेंगे। जो कई ज्यादा जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो लसीकरण का प्रोग्राम होता है, और जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाती है, जैसे अलग अलग मिशन, पोलियो मिशन जैसा है, तो इसको ग्राउंड पे पहुंचाने के लिए जरूरत है कि हमारे पास में एक स्ट्रक्चर तैयार हो, हमारे पास में एक ढांचा तैयार हो। और हमारे देश जब इतना डाइवर्स है, जहाँ पे इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूरी हो जाती है कि इसको डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो मुख्य बातें करी गई है कि वो ये है कि आप अगर डिजिटलीकरण की बात कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर या एक हॉस्पिटल से दूसरे डॉक्टर आपका डेटा कैसे एक्सचेंज करेंगे। बिकॉज जब भी डेटा की बात आती है तो वहां पर कंप्यूटर इंजीनियर्स का रोल आ जाता है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी तो ये है इसका रोल आ जाता है, वहां पे लॉयर्स का रोल आ जाता है। तो कहीं काफी ज्यादा एरिया जब एक साथ आके डिजिटलीकरण की हम जब भी बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन की हम जब भी बात करेंगे, तो ये काफी ज्यादा एरियाज आ जाते हैं। अब जो स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड जो हमारा डेटा रहता है वो अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति से जुड़ी हुई काफी निजी चीज है। तो ये जो थर्ड पार्टी कहते हैं, जो तीसरी पार्टी के हाथ में ये जाता है और ये कैसे यूज होता है, तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा डिजिटलाइजेशन तो होना अच्छी बात है, पर ये किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। और उस जब भी हम ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इस और हमको ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। अब बात यह है कि जो NDHM है, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसको वो एक नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है अपने आप में। मतलब मार्केट में जब भी कोई न्यू चीज आती है और गवर्नमेंट अगर उस पर, गवर्नमेंट सिर्फ उसको रेगुलेट करे, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना करे, उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि जब फ्री मार्केट होता है तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन, डेटा वगैरह अपने आप डेवलप होने लग जाएंगे। क्योंकि मार्केट में जब भी कॉम्पिटिशन होता है तो ये सारी चीजें बढ़ने लग जाती है। उसके साथ में कि पेशेंट्स का जो डेटा प्रोटेक्ट करने का जो कानून है उस और भी हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे UPI सिस्टम है जिसमें कंसेंट मैनेजर फ्रेमवर्क है, जिसमें जो यूजर है उसका कंसेंट लिया जाता है हर बार जब भी ट्रांजैक्शन होता है, तो वैसे एक फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है। और ये कैसे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में वर्क करेगा उसको भी एक देखने वाली ये महत्वपूर्ण बात रहती है। तो जो आज की हमारी मुख्य न्यूज है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि मालदीव्स में अभी भारत ने अनाउंस करा है कि वो $500 मिलियन वहां पर उनको पैसे देगा, वहां का जो कनेक्टिविटी
जोड़ने के लिए, जो ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो अलग अलग द्वीपों को कनेक्ट करता है, ठीक है, वो फिर डायरेक्ट फेरी सिस्टम से हो या सबमरीन या केबल या जो टेलीकॉम व्यवस्था हो उसको कनेक्ट करने के लिए ग्रेटर माले प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो भारत उसमें 500 मिलियन डॉलर देने वाला है। मालदीव्स का एक जो कमी रह जाती है मालदीव्स में ये है कि उसके सारे आइलैंड उतने उनका पोटेंशियल बोलते हैं यूटिलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ जितना भी भार है वो सिर्फ उनके जो मुख्य आइलैंड है माले सिर्फ उन्हीं पर रह गया है। तो ये अगर कनेक्टिविटी आती है तो जो मालदीव्स के जो दूसरे आइलैंड्स है उनको भी डेवलप होने में अपने आप में भविष्य में काफी मदद मिलेगी। और इससे सबसे जरूरी जो भारत और मालदीव्स के रिलेशन बीच में जो कहीं ना कहीं खराब हो रहे थे उनको सुधारने में भी ये काफी अच्छा कदम होगा। अभी लेबनन में आपको पता है कि जो बैरूत करके उनका जो राजधानी है वहां पर एक ब्लास्ट हुआ था, तो ये शायद अगर आपको याद हो तो अमोनियम नाइट्रेट करके का जो एक अमोनियम नाइट्रेट का जो वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए काफी काम आता है, तो उसका जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके कारण काफी लोग घायल हुए, 170 लोगों की मौत हुई, जिसके कारण वहां की पूरी गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया और वहां पे पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में आ गई। तो अभी अभी लेबनन का जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये डिक्लेयर करा है कि जो उनका राजधानी है बैरूत वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर करा है। तो जो आज का MCQ था उससे रिलेटेड ये न्यूज है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने टैक्स पेयर चार्टर का अनाउंसमेंट करा है, जिसमें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट एक प्लेटफॉर्म लाया गया है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट है जो करप्शन को कम करेगा, फेसलेस अपील है और जो टैक्सपेयर चार्टर है जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बताता है टैक्सपेयर का, और यहाँ तक गवर्नमेंट की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनकी ड्यूटी है वो भी उस पर बात करता है। उसके बाद में जो हमारे आज का आखिरी न्यूज है वो है कि US ने जो उनका वीजा नॉर्म था H1B वीजा जो उनका है उसको लेकर काफी कड़े कानून वो लेकर आ गए, तो उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। अब जो मेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये H1B वीजा मिल पाएगा। उसके अलावा जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको भी उनके लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है H1B वीजा में। और एक बात जो आपको देखने को मिलेंगी कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन आया है गवर्नमेंट का, अभी कल के ही दिन ये चर्चा हुई थी कि कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामांकित किया है डेमोक्रेटिक पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं इमिग्रेंट के इश्यूज को जो बाहर से जो लोग आते हैं अमेरिका में उनको कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट करने को, जो बाहर के लोग बसे हुए हैं अमेरिका में कहीं ना कहीं उनके ये उनको एड्रेस करते हुए ये ऑर्डर आया है। और काफी दिलचस्प होंगे अगर आप USA पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं कि कमला हैरिस का नामांकन होने के बाद में फिर अभी ये H1B वीजा को रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन आता है, तो देखते हैं अब आगे आगे और US इलेक्शन के में क्या क्या नई नई और खबरें आएगी। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, तो थैंक यू सो मच।